Hey guys, welcome back to my YouTube channel. स्वागत है आपका रजनीताज गैलेक्सी में। और आज की दोपहर ही हम लोग बिता रहे हैं सैटरडे आफ्टरनून बेनाचिटी बाज़ार दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। बेनाचिटी बाज़ार दुर्गापुर के प्राचीनतम बाज़ारों में से एक है। बहुत पुरानी ये बाज़ार है और यहाँ पर आपको हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह के मॉल और हर तरह के शॉपिंग सेंटर मिल जाएंगे और हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। यहाँ पे बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक आपको कस्टमर्स रास्ते में मिल जाएंगे और बहुत ब्रॉड और बहुत बड़ा सा बाज़ार है। वेलकम टू बेनाचिटी। और देखिए दोपहर के टाइम में दुर्गापुर के बेनाचिटी बाज़ार के माहौल को दुर्गा पूजा बंगाल के सबसे बड़े फेस्टिवल से पहले किस तरह की दिखती है। गाइस सैटरडे तो मेरी छुट्टी रहती है और संडे को भी मेरी छुट्टी रहती है, तो दो दिन मुझे ऑफ डेज मिलते हैं वीकेंड पे। और आज सुमन जी भी टोटली मेरे लिए फ्री हो गए हैं क्योंकि दुर्गा पूजा की शॉपिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग मॉल में भी जाते हैं और ये बेनाचिटी बाज़ार में तो आना ही है। तो सैटरडे की स्पेशल वेज लंच कहाँ किया जाए, तो वेज लंच करने के लिए हम लोग जिस रेस्टोरेंट में आए हैं, ये भिरिंगी मोर बेनाचिटी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। इस रेस्टोरेंट का नाम है खावा दावा। फिर से बोलती हूँ, रेस्टोरेंट का नाम है खावा दावा। खावा दावा एक ऐसी रेस्टोरेंट है जो कि बहुत 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 साल पुरानी रेस्टोरेंट है। बचपन से ही मैं यहाँ आई हूँ और मैं क्यों, मेरे पापा मम्मी लोग के बचपन में भी ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे टोटली आपको प्योर वेज खाना मिलेगा, टोटली शाकाहारी खाना यहाँ पे अवेलेबल होती है। और हमारे मेन्यू में क्या है, मैं तो राइस नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने लिया है मशरूम मसाला, सलाद, रोटी, पापड़ एंड उसके साथ में कर्ड यानी दही। और सुमन जी ने लिया है प्लेन राइस मसाला दाल फ्राई और उसके साथ मशरूम मसाला, सलाद है और दही है। ये दही खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट हर आफ्टरनून में हम लोग लेते हैं। आप लोगों ने भी पहले ब्लॉग में देखा हुआ है, घर में भी लंच करते हुए हम लोग दही लेते हैं, लेकिन खट्टी वाली दही होती है या फिर सफ़ेद वाली दही होती है, मीठी दही, लाल दही हम लोग नहीं खाते हैं। और हो गया है, अभी यहाँ पे स्वीट्स के भी वैरायटीज़ है तो इसलिए थोड़ी बहुत मिठाई ले जा रही है क्योंकि हम लोग शाम को जाएंगे पंडित जी के घर, हमारी इन्विटेशन है वहाँ पे। तो पंडित जी के घर इन्विटेशन पे जाएंगे, पहली बार खाली हाथ हम लोग कहीं नहीं जाते हैं तो इसलिए कॉस्टली वाली अच्छी अच्छी मिठाई लेकर के जाएंगे। और ये दुर्गापुर बेनाचिटी बाज़ार का नज़ारा दोपहर में कुछ ऐसा है। आज उतनी गर्मी नहीं है बट बारिश आने वाली है तो इसलिए लोग भी बहुत ही कॉन्शियस है कि अचानक से कब एकदम ज़ोरदार से बारिश आ जाए। और ये वही होटल रिलायंस है। होटल रिलायंस एक ऐसी तील माले वाली होटल है जहाँ पर मुझे याद आया मेरी शादी में दूर से आए हुए काफ़ी गेस्ट यहीं पर रह रहे थे। तो ये रही हमारी सैटरडे की व्लॉग। टिल देन के लिए बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।